नमस्कार, बजट स्टोरी के सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी हम हैं अवन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, और आपको बताते चले कि ये अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो काफ़ी एक प्रतिष्ठित संस्थान की श्रेणी में शामिल है, जहां पर आपको एविएशन की जो है वो पढ़ाई और ट्रेनिंग दी जाती है। सारी बातचीत करेंगे वहाँ के जो काउंसलर हैं और वहाँ की जो सारी जो देखती हैं सब कुछ को और हैंडल करती हैं स्टूडेंट्स को, रुचि खान जी। मैम नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते मैम, एविएशन के फील्ड में जब स्टूडेंट आपके पास आते हैं और तो उनसे तो बातचीत करेंगे, सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आपने इस फील्ड में कैसे करियर स्टार्ट हुआ, कब से जुड़े हैं ये। मैं 2020 से जुड़ी हुई हूँ संस्थान से। जी जी जी। और 4 साल का एक्सपीरियंस तो मुझे हो ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से अभी मैं देख रही हूँ कि एविएशन फील्ड में और भी काफी हो बहुत ज्यादा होने और होने वाले और भी हैं, अभी इस ईयर में तो अभी और भी ज्यादा होंगी। बिल्कुल। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इसको और हम लोग ये करें, एक्सपेंड करें, आगे लेकर के जाए मैम। बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत मतलब क्या बोले फ्यूचर और स्कोप, तो मतलब हर 1 या 2 महीने में वैकेंसी आती ही आती है। अच्छा, आती है वैकेंसी मैम, कंफर्म वैकेंसी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी इंडिगो का बहुत सारा अभी इंटरव्यू हो रहा है और होने अच्छा। वाला भी है। मैम रांची की अगर बात करें, अगर रांची प्रॉपर झारखंड की अगर बात करें, तो यहाँ के स्टूडेंट के मन में कैसे सवाल चलते हैं इस फील्ड को लेकर के? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एविएशन के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता है एग्जैक्ट तो, होता क्या है एविएशन, होता क्या, तो बेसिक चीजों से उनको समझाना पड़ता है कि एविएशन है, एयरलाइन से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं वो हम करवाते हैं और उसी में आपका प्लेसमेंट होता है, जैसे एयर होस्टेस, केबिन क्रू, ग्राउंड सर्विसेज, ये सब जानकारी उनको दी जाती है। तब उनके मन में पहला सवाल ये होता है कि मैम क्या मैं अगर ये कोर्स करता हूँ तो मुझे 100% जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये तो पहले एडमिशन लेने से पहले ही हाँ, सवाल करने लगते ये है। पहला सवाल उनके पास आता है। जी जी। तो हम लोगों को ये उनको समझाना पड़ता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको 100% जॉब नहीं देती है। जी। 100% असिस्ट करके देना हमारा काम है, देन इंटरव्यू तो अरेंज करना हमारा काम है, सारी चीज अरेंज। आपको अगर जैसे आप फर्स्ट इंटरव्यू आप क्रैक नहीं करते हो, देन दूसरा अरेंज करके आपको देंगे, उसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट होते हैं सर्टिफिकेट दिए उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं कि स्टूडेंट खुद से जाके सर्च करे। हम लोगों के इंस्टीट्यूट में वो चीज़ नहीं है, हम लोग एंड ऑफ प्लेसमेंट तक उनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। जैसे मैम आपने कहा कि इस फील्ड में जो है, जैसे केबिन क्रू की बात करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म ट्रेनिंग की भी बात करते हैं, सुटेबल इंटर्नशिप की बात करते हैं, ऑन एयर ट्रेनिंग क्या है मैम वो बताइए? ऑन एयर ट्रेनिंग एक्चुअली ये चीज़ है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे मॉक में ही प्रैक्टिकल वगैरह कराते हैं। अच्छा। हम अच्छा। लोगों ने नोटिस किया कि बच्चे एकेडमी के ही इन्वायरमेंट में रह जाते हैं। अच्छा अच्छा। देन हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ हट कर दिया बदलाव किया जाए उसमें, जिससे बच्चों को जो कभी फ्लाइट में सफर नहीं किए हैं वो एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा उनका जी, और जी। वो लाइव सब कुछ देखेंगे तो उससे क्या है कि उनको और ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा, ग्राउंड पे काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो मिलेगा, ग्राउंड का भी और फ्लाइट में। जैसे हम लोगों ने क्या किया है कि बच्चे जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे हम लोग उनको कंपनी के थ्रू टिकट प्रोवाइड करेंगे। टिकट प्रोवाइड रांची से आप कोई भी डेस्टिनेशन में भेजा जाएगा उनको, उनकी टीम को, तो वो क्या है कि एयरपोर्ट जब विजिट करेंगे लाइव सब कुछ होगा तो वो उनके लिए एक होगा नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एकेडमी है मॉक वगैरह में अच्छा। देन वो हर दिन उस चीज को देख रहे हैं अच्छा। बट जब वो एयरपोर्ट विजिट करते हैं कहीं ना कहीं उनके मन में डर रहता है कि मैं एयरपोर्ट में जा रहा हूँ। सही बात है। ये चीज को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये मतलब ऑन एयर ट्रेनिंग का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने किया। और बच्चे अगर एक जैसे रांची से फ्लाई करके अगर वो दिल्ली जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, कोई भी डेस्टिनेशन में, तो वो लाइव देखेंगे कि एयर होस्टेस या केबिन क्रू का काम क्या होता है और रियल फ्लाइट एक्चुअल में होता क्या है इसकी जानकारी हाँ ये पूरी जानकारी उनको मिल जाएगी। देन हमारे जो ट्रेनर्स है वो थ्योरी क्लासेस वगैरह तो करवाते ही हैं, उसमें कोई भी डाउट्स होगा वो बच्चों को क्लियर कर दिया जाता है। बिल्कुल मैम, अभी एडमिशन के जो फीसेस वगैरह हैं उस पर जरा सा बताएं क्या फीसेस? फीसेस हमारे देखिए ऐसे तो जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा भी फीस नहीं है जी, जी। और जैसे रजिस्ट्रेशन पे करने के बाद बच्चे मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं विद इन 1 ईयर में। अच्छा अच्छा। एवरी मंथ जैसे पेमेंट आता है इंस्टॉलमेंट में okay. बहुत से एकेडमी है 2 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट में आपको
पूरी फीस देनी है, वो चीज हमारे यहाँ नहीं है। क्योंकि कोविड के बाद जो हालात आए हैं उसको देखते हुए ये चीज अभी क्या है कि पेरेंट्स को इससे ज्यादा सुविधा मिलेगी कि चलो मुझे एक या दो इंस्टॉलमेंट में नहीं, हर महीने मुझे ये इंस्टॉलमेंट में पे करना है और उनके लिए कंफर्टेबल। हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल है। और जैसे बहुत से ऐसे कोई होते हैं जो एकदम लोअर फैमिली से हैं लेकिन बच्चे में है कि मुझे करना है, तो देन देखिए हम लोग फीस वगैरह तो कम नहीं करते हैं, लेकिन क्या है कि उनको अगर 12 मंथ का इंस्टॉलमेंट है तो उसको हम लोग 14-15 मंथ का कर देते हैं ताकि बच्चे को पेमेंट करने में इजी हो। अच्छा, और अच्छा। वो जो चाह रहे हैं उनका जो सपना है वो भी पूरा हो जाता है। तो इस तरह से कोई दिक्कत भी उसको नहीं, और कोई पीडीसी चेक वगैरह हम लोग ऐसा नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि पेरेंट्स के मन में एक डर बना रहता है कि मैंने पीडीसी चेक दिया है, अगर मुझे फीस देने में 2-4 दिन लेट हुआ तो ये लोग डिपॉजिट कर देंगे, इस तरह का मन में डर बना रहता है। जो हर तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि सिक्योर कर रहे हैं, हाँ सिक्योर कर दें कि चलिए स्कूल कॉलेजेस में जैसे आप मंथली पेमेंट करते हैं उसी तरह से आप पेमेंट करें, कोई इशू नहीं होता। मैम हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बहुत बड़ी बात की है, पूरी तरीके से सर्टिफाइड डिप्लोमा इन एविएशन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ये संस्थान है यहाँ पर, और ये प्रॉपर हमारा मैम ली डिजायर कॉम्प्लेक्स में। एड्रेस एक बार आप खुद से बता दीजिए मैम। ये अपोजिट हरिओम टावर ली डिजायर कॉम्प्लेक्स सर्कुलर रोड लालपुर रांची। मैम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।